वन मंत्री राम निवास रावत की मुश्किलें बड़ी। आदिवासी बाहुल्य सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशी के रूप में उतारा आदिवासी चेहरा। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में जहां एक और प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठा का केंद्र बना हुआ है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी राम निवास रावत से बदला लेने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए कांग्रेस ने जाति समीकरण के आधार पर कैबिनेट वन मंत्री राम निवास रावत के सामने कांग्रेस से मुकेश मल्होत्रा को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि मुकेश आदिवासी समाज का बहुत बड़ा चेहरा है। ये पूर्व में राज्यमंत्री रजा प्राप्त मंत्री भी रह चुके हैं और विधानसभा 2023 में निर्दलीय चुनाव लड़कर 44,000 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। इस बार भी मुकाबला बड़ा ही कांटेदार होने वाला है। विजयपुर से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। किस तरह चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है इस बार? पूरी रणनीति से लड़ेंगे, हम लोग तैयार है। पूरे कार्यकर्ता हर पोलिंग बूथ पे हमारे सक्रिय हैं। काफी 2-3 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं और चुनाव कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीतेगी। बीजेपी सरकार के संरक्षण में हो रहा है, गरीबों पर अन्य अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, मारपीट की घटनाएं की जा रही हैं, तो उनको शासन का अभिमान चढ़ा हुआ है। तो पब्लिक इसका जवाब देगी। ये ट्रांसफर नीति क्या कुछ फायदा पहुंचा पाएगी क्या? नहीं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। सब जनता समझदार है और जनता चुनाव लड़ेगी।